हर साल भारत में 13 से 14 लाख विद्यार्थी IELTS की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा की प्रतिभा दिखाते हैं। इनमें से 50% से ज्यादा बच्चे पहले ट्रायल में अपना टारगेट स्कोर हासिल नहीं कर पाते हैं। इन्हीं में से एक है जिया। I have appeared in IELTS exam 4 times in 1 year. First, I thought that it's just an exam, but I was wrong. जिया ने जब पहली बार एग्जाम दी तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसकी बहन भी उसको कनाडा से गाइड करती थी, साथ में उसने एक कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन की थी। पर जब रिजल्ट आया तो इस बार जिया ने शहर के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ने का फैसला किया। भारत के कई मेट्रो शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में कई हजार बच्चे IELTS की ट्रेनिंग लेते हैं, जहां हर वो सुविधा होती है जो एक 5-स्टार फैसिलिटीज से कम नहीं होती, और ये सारे 2 से 3 दशक से IELTS की कोचिंग करवा रहे हैं। इस बार मैंने सीरियसली मेहनत की, मतलब जिस तरह से होनी चाहिए, जो मैं समझती हूँ, और मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट फेल कर दिया। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल हुआ। आई वॉज लाइक, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऑनेस्टली। I started expanding my English knowledge through various resources. Read so many IELTS books. I searched all over Google how to crack IELTS, and I even met top tutors and started taking their tips and advices every day. And I attempted third time with all the efforts that I can do. इस बार मैंने बहुत मन्नतें मांगी, बहुत दुआ मांगी, उसको पूरा टाइम मेहनत करने का मौका दिया। No social function, no outing. It was the lowest moment of my life. I could not even breathe. My voice was choking. बहुत घबराहट सी हो रही थी। ऐसे में जब भी कोई बच्चा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है तो कंसिस्टेंट सैड फील करने लगता है, अकेले अकेले फील करने लगता है। उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, बेसिकली हर चीज़ में वो इंटरेस्ट खो देता है। ये जो इमोशनल क्राइसिस, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन वाले स्टेट। दे लॉस देयर सेल्फ आइडेंटिटी। ऐसे में उनके बाहर के दुनिया से ज़्यादा उनके अंदर की दुनिया का घमासान मचा हुआ होता है। सो इट्स बेसिकली लाइक दे डोंट इवन नो दैट दे एग्जिस्ट। ऐसे में क्लिनिकल रेमेडीज से ज़्यादा बेहतर है कम्युनिकेशन ऐसे बच्चों से जो डिप्रेशन में चले गए। इसको आइस ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं, फिर चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो या फिर एक नज़दीकी फ्रेंड्स के साथ। तो क्या सोचा है तूने? एक आखिरी ट्राई। कैसे? पहले जैसे कोचिंग सेंटर में और मेहनत करूंगी। पहले जैसे ही करेगी तो पहले से बेहतर कैसे होगा? रुके क्यों नहीं? अब बदलाव की जरूरत। ये पहचानेंगे तेरी गलतियों को, ये तेरी अंदर की दुनिया बताएंगे, ये तेरे सपनों को साकार करेंगे। नहीं यार, बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया मैंने, अब नहीं होगा मुझसे ये सब। हाँ तो फिर जाओ जहाँ जाना है और करो वो गलतियाँ वापिस। ऐसे नहीं यार, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। अब बस कर यार, अब की बार टीसी यार। बात समझ बंदे आ, कुछ देर ही बाकी है। रख यकी आँखों से बादल आज हट जाएगा। चांद तेरी आँखों में बंदे आ, चल के आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है? तू चल, तेरे वजूद की स
समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। I thought my world is back। शाबाश।